मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। टेक्नोलॉजी अमीर वो नहीं होते जिनके सभी हीरो से जुड़े होते हैं, अमीर तो घर होते हैं जो सबकुछ चैनल से जुड़े होते हैं। टेक्नोलॉजी आओ आज उम्मीद को लाकर हम आशीर्वाद दे रहे हैं जिन सबकुछ चैनल से जुड़े रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंसान हर जगह पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है, और इंसानियत वही पैदा होती है जहाँ पर इस निरंकार का ज्ञान हो। टेक्नोलॉजी हम बहुत भाग्यशाली है तुमने सदगुरु के समय में जन्म लिया और सदगुरु के चरणों से इस निरंकार का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि सही मायने में मानव चरणों में आने का मकसद था। और श्री राम चरित्र मानस में तो लिखा है कि बड़े पाप मनुष्य बाबा सुनो दत्त ग्रंथ ने गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जाए पर लौट दुबारा। और श्री राम चरित्र मानस उसके कान में लिखा है कि एक बार पक्षीराज गुरु जी काम कुशल जी से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो हे कृपालु मेरे सात प्रश्नों के उत्तर का व्याख्यान कीजिए। कि प्रभु ने प्रभु नाथ मन दीरा सत्य जोगर प्रबल शरीरा प्रभु प्रबल प्रबल सुखदारी चले संत के कहो विचारी संत असंत मरण समझाने तिनके सह सुभा बखाने सबसे पहले ये बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। संत और असंत का मर्म आप जानते हैं तो उनके स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर बताइए कि सूर्यों में से सबसे महान पुण्य कौन सा है, सबसे भयंकर पाप कौन सा है। आगे से पक्षी आज गुरु जी उत्तर देते हैं कि नर्तन सबने कमल उगेगीवर्ग अपवर्ग निशानी ज्ञान गुरा भक्ति तुम मनुष्य शरीर से समाज में शरीर नहीं है, चल अचल सभी से प्रार्थना करते हैं। जो मनुष्य शरीर स्वस्थ और मोक्ष की शरीर है तो का कल्याण का ज्ञान विराग और भक्ति देने वाली है। नहीं दरिद्र संकृत बनाए संत मुगल संस्कृत बनाए और उपकार वचन मन काया सत्य जय सुबह खसराया। तो संतों के मिलने के समान ये सुख नहीं है, तो दरिद्रता के समान कोई सुख नहीं है। तो ये पक्षीराज मन वचन और शरीर का संस्कार करना ये संतों का सही स्वभाव है। संत शरीर को अभी त्यागी और दूसरे को असर प्रभावी संत दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए दुख रहते हैं और अभागे के दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए परम गरम सुखाया आता है। देशों में अनुता को परम गरम माना है और सभ्यता के समान भारी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी इस मिशन ने सभी संतों का सभी महात्माओं का आदर सम्मान किया है, सभी ग्रंथों का बड़ी श्रद्धा के साथ सत्कार किया सम्मान किया है। आज तक इस मिशन को ये आवाज नहीं दी गई कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम मत लो, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम मत लो, खुदा का नाम मत लो, लेकिन ये आवाज जरूर दी गई है कि अल्लाह बोलिए चाहे राम बोलिए, पहले पहचान के फिर नाम बोलिए। वस्तु के बिना कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नाम से ही दुनिया में कोई काम नहीं होता। रोगी को लागी न दवाई गए अजीब दोनों, मुझको भी इबादत से तो कोई आराम नहीं होता। सत्संग जी हम नाम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोग दूर नहीं बता है। कृष्ण को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे
सरस दे तने मानक दे गदार बख्श दे सब हस दे छोटा जी जब मुझसे सांस में विशेष कृपा की है सांस में इस समय आशीर्वाद प्राप्त करें प्रेम से कहना धन्य कार्य सांस में की प्यार से कहना धन्य कार्य सांस में बाबा तेज आपका अक्सर जी कहते थे कि इंसान स्पेस पे चांस कारों या बात पे ह्यूमन सेटलमेंट का सोच रहे हैं एकदम गति पर चलने की उसको तरीका नहीं आता स्पीडा नहीं है उसको तरीका नहीं है कि कैसे गति पर कैसे चलना है तो सात संगत गति में चलने का उनका जो मकसद था कि इंसानियत के तरीके पर कैसे चल रहा है क्या उसकी एक्टिविटी कैसी डिस्ट्रक्शन की तरफ को चल रहा है एक दूसरे को नुकसान करता है एक दूसरे के साथ झगड़ा नफरत नेगेटिविटी किस तरीके से अपने जिंदगी के सफर को आपको वेस्ट कर रहा है तो साथ संगत वो बाबा जी फ्रीक्वेंटली ये भी कहते थे तो अगर हम किसी को छोटा देते हैं तो हम उसको या तो गुरूर से या उसको दूर से देख रहे हैं तो साथ संगत उनका मकसद यही था कि जो हमारे अंदर ईगो है वो हमें इस चीज की अपने आर्ट के बेस पर या पोजीशन के बेस पर या उसके जो फिजिकल एसेट्स हैं प्रॉपर्टी है या उसके पास दौलत है उसके बेस पर वो तुलना करता है उसके बेस पर वो उनको कंपेयर कर रहा है तो साथ संगत बहुत बैंक बैलेंस होगा बहुत प्रॉपर्टी होगी गाड़ियां होंगी हर एक के मटेरियल उसके पास फैसिलिटी होंगी कम्फर्ट्स होंगे तो साथ साथ वो जाने वाला नहीं है वो स्टाइल नहीं है जो चीज जाने वाली है उसको अगर हम नहीं एड्रेस करेंगे उस पर नहीं गौर करेंगे तो साथ साथ ये पर्पज को लाइफ जीने का मकसद पूरा नहीं होगा तो साथ साथ बाबा जी और माता जी भी यही इस पर फोकस दे रही है कि हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है अपने आप अंदर देखना है कि मेरे में क्या हुआ है रहता है दूसरों की नुकियां की नुकताचीनी करना या उनके नेगेटिविटी या उनके जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर अपने आप को हमें देखना है कि हम में क्या हुआ है ताकि उसको हमें दूर करें अपने दिन हर एक डे टू डे लाइफ में जो हमारे एक्शन है वो उसमें वो उसको हम ट्रैक करें जो मिशन का जो वाइस मिशन जो हमें बता रहा है जो इसकी मिशन की जो फिलॉसफी है उस पर हम पूरा चलकर उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम डालें और उस पर चलें क्योंकि माता जी इस पर यही फोकस दे रही है कि इसको जो घरदारी मिशन है ये एक लिविंग मिशन बन गया लिविंग मिशन का उनका यही मकसद है कि जो संत के जो हमारी हमारे जो चाल है जो हमारे एक्शन है वही रिफ्लेक्ट करें कि जो मिशन की बात भी है और जो हमारे कॉन्टेक्ट हमारा प्रैक्टिकल या हमारी एक्शन पे है कोई भी देखता है तो वो पहचान जाए हमारी एक आइडेंटिटी बन जाए कि निरंतर मिशन का फॉलोअर है तो साथ संग यही है ये कि इस चीज के ध्यान तभी बनता है या सोच तभी बनती है जब हम उस निर्विकार को जाने सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन हो जाती है तो एक पॉजिटिविटी लाइफ में आ जाती है एक डायरेक्शन मिल जाती है एक मकसद जिंदगी का जो है उसका पता चल जाता है तो साथ संगत ये जो मिनी समागम हुए हैं जो पूज्य पाया जी की ब्लेसिंग से जो इन्होंने अपना टाइम निकाला अपने इस एज के मुताबिक इन्होंने जो दिन रात ये
दौड़ लगा रहे हैं मिशन को एक एक कोने में पहुंचाने के लिए, वाइस को और मजबूत करने के लिए, तो साथ साथ इसमें इस प्लेटफॉर्म में मिनी समागम में और भी हमें मौका मिल रहा है जो हमारे साथ बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है।
इंसानियत से दूर होते जा रहे हैं। इंसान का काम है शासन, इंसान से प्यार करना, हमदर्दी करना। शासन में कोई हमदर्दी आ रही, प्यार की दखल कर रहा है। इंसान इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, देख के साथ खुश नहीं हो रहा, परेशान हो रहा है कि ये मेरे सामने क्यों आ गया। तो सा हम बांटे गए हैं, हमने बांटा दिया शासन अपने आप को, कोई सिख के रूप में, कोई हिंदू के रूप में, कोई मुसलमान के रूप में, कोई ईसाई के रूप। तुम्हारा एक है शासन, एक पिता एक के हम पर, एक बाप है एक ही संतान है। जैसे कहा भी अवर अल्लाह नूर पाया, उसके सब बंदे एक नूर दे, सब जगह प्रियो कौन भले कौन बंदे, कौन बुरा है कौन बंदा शासन अच्छा है। क्या कहते हैं, हमने भले बुरा नहीं कोई, मैं भी अपना अच्छा नहीं हूँ बुरा भी कोई संसार में नहीं है। तो उसका निगाह होती है महापुरुष की, इसके दिल में हर इंसान के लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। जो उसे मोहब्बत सिखाने वाला एक महात्मा होता है, जो इंसान को साथ इंसानियत सिखाने का प्रयास करते हैं। हम है तो इंसान, शक्ल हमारी इंसानों की है, हमारे जो कर्तव्य है शासन और इंसानों के लिए कहा भी है शासन मानव। इंसान तो इंसान बन, ये नहीं कहा पशु तो पशु बन, गद तो गदा बन, बड़े तो बड़ा। इंसान तो क्यों कहा शासन, इंसान की शक्ल और है, कर्तूत और है शासन, अपने कर्म को छोड़कर ऐसे अवस्थे पे चल पड़ा शासन जो इंसान को दबो रहा है, बहुत दूर ले जा रहा है सच्चाई से। शासन झूठ से जबड़ा हुआ है, ये दुनिया सब झूठी है, शासन प्रकृति है, झूठ को ऐसा जो रहने वाला नहीं है, प्रकृति है शासन। इस प्रकृति को पूजा कर रहे हैं, प्रकृति के पीछे लगे हैं शासन, लेकिन जो प्रकृति को बनाने वाला प्रकृति उसका हमें एहसास नहीं। जब तक उस परमात्मा निराकार जो खालिक है, खालिक है बनाने वाला, इसकी पहचान नहीं करते शासन, तब तक हमारे मन में दया नहीं आएगी, प्यार नहीं आएगा, किसी के लिए शासन मदद की भावना नहीं पैदा होगी, किसी को अपना नहीं बुला पाएंगे। आज सबसे बड़ी सब दुनिया में हाहाकार मच रही है, परेशान, परेशानी किसकी बात है, पैसे कम है बहुत है, ही करोड़ है, मकान नहीं है, अरे मकान तो कई चलती है मेरे पास, कार नहीं है, कार भी ज्यादा संतोष हुई है, अरे और, अरे मेरा मन नहीं शांत, परेशानी बढ़ती जा रही है, जो जो भाया है परेशानी बढ़ती जा रही है, वो परेशानी तक है, जो बढ़ रही है शासन। हम जो शांति देने वाली शक्ति है, जहाँ ठंडक मिलती है वहां से दूर हो रहे हैं, जहाँ आ गए वहां जा रहे शासन, एक परेशानी तो होगी, हमें शांत हो रहा है शासन, गर्दी से बढ़ते हैं ठंडक की पहचाना पड़ेगा। ये जो सब माया है, संसार है, ये सब परेशानी है, नहीं करने वाला आज तक किसी इंसान को इस प्रकृति के साथ माया ने किसी का साथ नहीं दिया, न किसी को शांत किया शासन। ये तो वो है शासन जो पड़ रही है, बस पड़ती जा रही है, कहीं टिकाऊ नहीं है, एकता हो गया टिकाऊ नहीं है शासन, टिकाऊ क्यों नहीं है। हम कहते हैं मैं ही पालना कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं शासन, जिसे नहीं पता कि मैं कौन हूं करने वाला, अरे करने वाला प्रभु परमात्मा मेरा पाठ है, इसका कोई नहीं साथ, दो भी पल रहा था। इंसान की सबसे बड़ी साथ तो बोली है शासन, अहंकार, मैं शासन, ये अहंकार है। अहंकार शास्त्र के बारे कहा गया है, इतनी बड़ी बीमारी है शासन, कैंसर से भी बुरी है शासन, अहंकार, जिसको अहंकार मन में आता है शासन उसका बचाव नहीं, उसका बचाव है एक ही शासन, किसी ऐसे महात्मा की शरण में जाकर समर्पण हो जाए, मन को त्याग, मन के मत को त्याग, गुरु की मत, प्रभु की मत, रहेगा जिस किसी गुरु में शासन, जिस
नाम खाए ते नाम ही पहने, नाम खुदा परिवार रहे।